हेलो फ्रेंड्स, आप रैबिट में कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट जो है हमारा बेस जो होता है वो यूनिट पे होता है कि वो प्रोजेक्ट की यूनिट क्या सेट है। जैसे कि अगर आप कोई आर्किटेक्चर अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप उसमें इंच और फिट का यूज़ करते हो, लेकिन अगर यहीं पे कोई मैट्रिक यूनिट यूज़ कर रहे हो जैसे कि MM हो गया या मीटर हो गया, तो उसके लिए आपको मीटर यूनिट सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या है यूनिट सेट करते हो, लेकिन यूनिट यहाँ पे दो तरह की होती है। पहली यूनिट है हमारी प्रोजेक्ट यूनिट और दूसरी होती है टेम्पलेट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे यूनिट सेट करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं। यहाँ पे चार टेम्पलेट है, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चर। मुझे आर्किटेक्चर वर्क करना है तो मैंने आर्किटेक्चरल यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट किया। आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट टैब और देन ओके। अब यहाँ पे आपका जो पेज ओपन हुआ है वो आर्किटेक्चरल ओपन हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, सपोज मैंने लेवल 1 पे क्लिक किया और वॉल पे क्लिक करके मैं वॉल क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि इंचेस आ रही है आपकी, जो भी आपकी वॉल की इंच और फिट में डायमेंशन आ रही है, ये क्या हमारी इम्पीरियल यूनिट दी हुई है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे वॉल बना रहा हूँ तो वॉल की जो डिस्टेंस आ रही है वो भी किस पे आ रही है, यहाँ पे हमारी जो वॉल की डिस्टेंस आ रही है वो 50 और 55, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, इंच और फिट में। तो आपको करना क्या है कि मुझे इसकी यूनिट सेट करनी है, जैसे इंच और फिट की जगह मुझे चाहिए कि ये MM में आ जाए या मीटर में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप मैनेज पे जाइए, यहाँ पे जो रिबन बार के ऊपर टैब है लास्ट से थर्ड मैनेज, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में ये कॉर्नर पे ऑप्शन टूल दिया हुआ है प्रोजेक्ट यूनिट, इस प्रोजेक्ट यूनिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट यूनिट आ जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया था यूनिट दो तरह की होती है, पहली प्रोजेक्ट यूनिट और दूसरी टेम्पलेट यूनिट। प्रोजेक्ट यूनिट यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट यूनिट है यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, HVAC और आपका इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, एनर्जी। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन में क्या सबकी सेम हो जाएगी, मैंने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद अलग अलग यहाँ पे दिया लेंथ, एरिया, तो मुझे लेंथ की यूनिट सेट करनी, लेंथ और विड्थ की। तो मैंने यहाँ पे लेंथ वाले पे यहाँ टैब पे क्लिक किया सामने, और इसके बाद यहाँ पे यूनिट टाइप है अलग अलग, देखिए आ रहा है इंच, फिट। तो मैंने यहाँ पे फिट और इंच की जगह पे मैंने ले लिया यहाँ पे सपोज MM, MM यानी कि मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर लिया, देन ओके। और इसके बाद इस पर भी ओके क्लिक। अब अगर आप यहाँ पे वॉल लेते हैं, आर्किटेक्चर में जाके मैं वॉल ले रहा हूँ और कोई वॉल क्रिएट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट आ रही है वो किस में आ रही है, MM में। तो हमारी यहाँ पे यूनिट सेट हो गई, लेकिन ये यूनिट कौन सी सेट हुई है, प्रोजेक्ट यूनिट। अभी अगर आप यहाँ पे जाके जब वॉल पे क्लिक करते हो तो ये तो आपकी आ रही है, लेकिन यहाँ पे वॉल की जो थिकनेस है वो अभी भी आप देखिए यहाँ पे किस पे आ रही है, इंचेस में। यानी कि अभी मेरी प्रोजेक्ट यूनिट तो सेट हो गई क्योंकि ये MM में आ रही है, लेकिन ये हमारी जो टेम्पलेट यूनिट है वो अभी सेट नहीं हुई। टेम्पलेट यूनिट अभी भी इंच और फिट में ही वर्क कर रही है, यानी कि ये हमारी जो यूनिट है वो इम्पीरियल यूनिट है। तो इसको अगर आपको सेट करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रोजेक्ट यूनिट सेट कर रहे हो तो वो आप पेज ओपन करके अंदर से जाके मैनेज से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इम्पीरियल यूनिट सेट करनी है यानी वो सॉरी टेम्पलेट यूनिट सेट करनी है, तो टेम्पलेट यूनिट सेट करने के लिए आपको पेज बंद, जब आप पेज ओपन करते हो उसी टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे मैं पेज को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप न्यू पेज ओपन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कैसे सेट करोगे, सबसे पहले जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलते हैं, ये ऑलरेडी टेम्पलेट हमारे इम्पीरियल के सेट हैं। अगर आपको सॉरी मैट्रिक के सेट है, और अगर आपको इम्पीरियल के चाहिए तो इम्पीरियल यानी कि इंच और फिट में चाहिए, तो उसके लिए आप ब्राउज पे जाइए। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, इम्पीरियल के अलग हैं और मैट्रिक के अलग हैं। मैं जो मैट्रिक के चाहिए तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक किया यानी कि MM मीटर पे, और यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट हैं स्ट्रक्चर के, MEP, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक लिया, देन ओपन, और इसके बाद ओके। अब आप देखिए जो पेज हमारा ओपन होगा उसकी यूनिट क्या आ रही है, जब हमने वॉल पे क्लिक किया तो अब देखिए ये यूनिट MM में आ रही है। अब आप ये आपकी टेम्पलेट सेट हो चुकी है, और यहाँ पे आपकी जो मैनेज यूनिट थी वो भी हमने सेट कर ली है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों यूनिट जो है सेट हो गई MM में, ये हमारी टेम्पलेट यूनिट भी सेट हो गई और ये हमारी प्रोजेक्ट यूनिट भी। टेम्पलेट यूनिट हमारी हर किसी पे काम कर सकती है, जैसे अगर हम डोर लाते हैं तो डोर भी देखिए अब MM में आ रहा है। अगर मैं इसी पे सपोज मैं डायरेक्ट जो न्यू पेज ओपन कर रहा था और वो आर्किटेक्चरल का लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पहले से हमारा जो सेट है वो किस में सेट था, इम्पीरियल में।
अगर मैं यहाँ पे डोर लेता हूँ तो डोर की यूनिट देखिए इंच और फिट में अभी भी आ रही है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वही सेट है। तो अगर आपको मैट्रिक्स यूनिट लेना है तो आपको करना क्या है कि मैट्रिक्स यूनिट के लिए जब आप न्यू पेज ओपन करेंगे तो ब्राउज में जा करके आपको टेम्पलेट ही दूसरा लेना है। तो टेम्पलेट आप यहाँ पे इम्पीरियल लोगे तो इम्पीरियल यूनिट मिलेगी, यानी कि इंच और फिट, और मैट्रिक लोगे तो मैट्रिक यूनिट मिलेगी। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेम्पलेट है वो अभी इम्पीरियल है और मैट्रिक सेट हो जाए, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पेज ओपन किया, सॉरी न्यू पेज नहीं, यहाँ पे होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन टैब आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाता है सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप जो है आपका जो सेकंड ऑप्शन है यूज़र इंटरफेस, सॉरी फाइल लोकेशन है, इस पर क्लिक कीजिए। फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट जो वहाँ पे डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है वो टेम्पलेट यहाँ से ऐड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक नया टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए अपना जो भी टेम्पलेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो टेम्पलेट फोल्डर है उस पर क्लिक किया और उसके बाद US मैट्रिक पे क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक ले लिया ओपन। अब ये आपका यहाँ पे आ गया। तो अभी तक चार टेम्पलेट थे, पाँचवा टेम्पलेट भी आ गया। ओके, अब जब आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको टेम्पलेट पाँच दिखाई देंगे। तो अब आपको करना क्या है, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक लेना है, देन ओके। अब आपका जो यूनिट है, कोई भी अगर आप कंपोनेंट लेते हैं तो वो देखिए MM में आ रहा है, यानी कि अब आपका टेम्पलेट यूनिट भी सेट हो चुका है और आपका प्रोजेक्ट यूनिट भी। ओके,